গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল নেতা নাফে হাবিবের নেতৃত্বে বিপরীত তৃণমূল কার্যালয় বৈঠক। গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ধরমপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে রবিবার দুপুরে বিপরীত তৃণমূল কার্যালয়ে যুব তৃণমূল নেতা নাফে হাবিবের নেতৃত্বে একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুব নেতা সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, রাহুল দাস সহ ধরমপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব তৃণমূল কর্মীরা। আজকের বৈঠকে এলাকার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনা করা হয়। और हम लोग कोशिश की बिना पड़ी, और रही बात यह कि जो भाई साहब ने जो बताया कि फोन रिसीव नहीं हो रहा है, ये एक एमएलए जब थे तो ये शिकायत नहीं थी उनके पास, सबका फोन रिसीव कर देते हैं। 2016 से लेकर 2020 तक 2021 तक हम ज़्यादातर उनका फोन मेरे पास ही रहता था। जब भी फोन करते थे वो मेरे पास ही रहता था। 80% फोन हम रिसीव करके खुद मेरे तरफ से ज़्यादा होता था करवा देते हैं। अब कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया है तो उनका फोन कभी सिक्योरिटी गार्ड के पास रहता है, कभी उनके ड्राइवर के पास रहते हैं, कभी किसी के पास रहते हैं, उसकी वजह से शायद वो फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें दिल खराब करने की बात नहीं है मुस्तफ़ा भाई, वो हमारे नेता ऐसा है।